wrong. Come on, Johan. Tell him to stop breaking the rules and play the right way. The big secret to breaking the rules is to make it look as though you're following them. अगर डेविल इंसानों में आकर इंसानों के बीच एक इंसान बनकर रहने लगा तो कैसा होगा? तो मैं मिलाना चाहूँगा आपको इसके आंसर से, योहान लीबर्ट। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप में पूरी बुराइयाँ होल्ड करने की ताकत रखता है। नाओकी उरासावा ने जिस तरह से योहान को लिखा है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि अगर आप पूरी सीरीज़ के दौरान योहान के कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि उसे परफेक्ट बनाया गया है। उसकी स्माइल, उसका चार्म, जिस तरह से वो सोचता है, उसका अपीयरेंस, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। और योहान की सबसे खास एबिलिटी, मैनिपुलेशन। हाँ, योहान मैनिपुलेशन में भगवान है। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसे इमोशंस होते हैं जिनसे वो छुप रहा होता है या फिर भाग रहा होता है, यकीन मानिए हर किसी के पास होते हैं। और योहान बस यही काम करता है कि उन इमोशंस को आपके सामने खड़ा कर देता है और आपको ना चाहते हुए भी उनको कन्फ्रंट करना ही होता है। हाँ, पर नॉट लाइक थेरेपिस्ट। पूरी तरीके से वो आपके सामने आपके इमोशंस लाएगा और आपको एहसास दिलाएगा कि आपके इमोशंस आपकी ही गलती है। You executed Stefan Yos, and you knew exactly what you were doing. Did I get it right? ज्यादातर बार बस हम अपने इमोशंस से भाग रहे होते हैं, हमारी गलतियां होती है। अगर किसी इंसान को पता है कि वो उसकी गलती है और रिग्रेट को एक्सेप्ट कर लेता है, हालांकि हर इंसान ये नहीं कर पाता, और उसी चीज का फायदा योहान जैसे मैनिपुलेटर्स या फिर साइकोपैथ ले सकते हैं। योहान की तरफ दोबारा चलते हैं और देखिए, योहान की कैरेक्टर को ऐसे बनाया है कि हर कोई उस पर ट्रस्ट करे। उसकी दूसरों के तरफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वाकई में बहुत लाजवाब है। अगर कोई योहान से बात करेगा तो योहान उसे पूरी तरह से यकीन दिलाएगा कि वो खुद से ही बात कर रहा है। वो आपके सारे इमोशंस को भाप लेगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को समझ लेगा और आपके खिलाफ यूज करेगा। योहान एक परफेक्ट साइकोपैथ है और हर साइकोपैथ की तरह योहान की भी शुरुआत एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से हुई थी। उसका बचपन बहुत ही बुरी तरीके से गुजरा है। हाँ, हालांकि आप सीरीज में देख सकते हैं कि योहान कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाता था कि वो पैदाइशी साइकोपैथ है। There's no way we could have ever created such a work of art. It was beyond human from the beginning. A veritable monster. हर चीज ने योहान को तैयार किया एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के लिए, और योहान के चाइल्डहुड में एक चीज है जो उसके कैरेक्टर को डेवलप करने में बहुत मैटर करती है, और वो है उसकी एक किताब, द नेमलेस मॉन्स्टर। जिस किताब का योहान के कैरेक्टर पर बहुत बड़ा असर है। लाजवाब बात तो यह है कि जो नेमलेस मॉन्स्टर किताब है उसका जो मेन मॉन्स्टर होता है उसका भी नाम योहान ही होता है। जो कैरेक्टर योहान लीबर्ट है उसका योहान ओरिजिनल नाम नहीं है, उसका नाम पूरी सीरीज में बताया नहीं गया। जिस तरीके से उस स्टोरी में योहान जो मॉन्स्टर होता है उसकी भूख नहीं मिटती और आखिर में वो सबको खा जाता है और उसे योहान नाम से पुकारने वाला कोई नहीं रहता। At last he had found a name, but there was no longer anyone to call him by it. Such a shame, because Johan was such a wonderful name. यही असल में एक्चुअल योहान लीबर्ट कैरेक्टर की भी सोच है। वो भी वही कर रहा है जो स्टोरी का मॉन्स्टर करता है। उसकी भूख दिन ब दिन बढ़ रही है और इस हद तक बढ़ेगी कि वो उसे रोक नहीं पाएगा। योहान की साइकोलॉजी और योहान का पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से सिर्फ दो ही चीजों की वजह से है, एक सवाल और एक जवाब। आर ऑल ह्यूमन लाइव्स ट्रूली इक्वल, मतलब क्या सारी जिंदगियां समान होती हैं? टू डिफीट अ मॉन्स्टर यू नीड टू बिकम वन। अगर आपको एक शैतान को हराना है तो आपको एक शैतान बनना ही होगा। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन। अब योहान इतनी क्षमता रखता है कि जिस किसी का ये प्रस्पेक्टिव हो कि सारी जिंदगियां समान होती है उसको बुरी तरह से तोड़ दे, सिवाय एक इंसान के, डॉक्टर टेनमा। डॉक्टर टेनमा इस थ्योरी से चलता है कि सारी जिंदगियां समान होती है और उसकी पूरी लाइफ और पूरा कैरेक्टर इसी चीज पे बेस्ड है। वो एक डॉक्टर है और उसने एक सीरियल किलर को बचाया, एक बार बिना जाने और एक बार जान के। डॉक्टर टेनमा का कैरेक्टर योहान के कैरेक्टर से एग्जैक्टली अपोजिट है। जहां योहान लोगों के इमोशंस को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है, वही डॉक्टर टेनमा लोगों के इमोशंस को उनके लिए इस्तेमाल करता है।
योहान स्पेसिफिक नहीं पर पूरी इंसानियत से नफरत करता है, कमजोर लोगों से इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से वो जीने के लायक नहीं, और ताकतवर लोगों से इसलिए क्योंकि वो जीने के हकदार नहीं, और इसी चीज के अराउंड उसकी पूरी आइडियोलॉजी बेस्ड है। और वो समझता है कि वो जो कर रहा है वो नेसेसरी है, वो जानता है कि वो इविल है पर नेसेसरी इविल, और वही बात उसे खतरनाक बनाती है। What the hell are you mumbling about now? But then, ahead of me, I beheld a darkness even greater still. चाहे वो कितना ही गलत हो, लेकिन जब तक वो खुद की नज़र में सही है तब तक उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना ही गलत हो दूसरों की नज़रों में या फिर असल में। योहान का ड्राइविंग फोर्स कोई पैसा या फिर पावर नहीं है, बल्कि उसकी खुद की आइडियोलॉजी का जस्टिफिकेशन है कि बुराई को ख़त्म करने के लिए आपको बुरा बनना ही पड़ता है। बीइंग रॉन्ग विद द रॉन्ग पर्सन डजंट मेक यू राइट। डॉक्टर टेनमा के हिसाब से बुरे लोगों को भी एक चांस मिलना चाहिए अच्छा होने का, और योहान के हिसाब से बुरे लोगों के साथ बुरा ही होना चाहिए। पर दिक्कत यह है कि योहान के हिसाब से सभी लोग बुरे हैं, और इसी चीज को प्रूफ करने के लिए योहान ने कई गलत कदम उठाए हैं। और बैक टू द क्वेश्चन, जो कि योहान के कैरेक्टर का बहुत बड़ा पार्ट है, आर ऑल ह्यूमन लाइव्स इक्वल? उसके हिसाब से सिर्फ एक चीज है जो सारे इंसानों में समान होती है, और वो है मौत। योहान की साइकोलॉजी के जो दो बड़े हिस्से हैं, वही दो हिस्से वो रिफ्लेक्ट करना चाहता है अपने आने वाले सक्सेसर में। अगर आपको ऐसा लगता है कि योहान ने अपनी मौत के बारे में कुछ सोचा नहीं है, तो आपने उसको समझा ही नहीं। योहान ने अपनी मौत को तक प्लान किया हुआ है, और यही है पूरी सीरीज का बेसिस। योहान मरना चाहता है डॉक्टर टेनमा के हाथों। सोचिए, अगर डॉक्टर टेनमा ने योहान को गोली मार दी होती तो क्या होता? तो योहान के जो बेसिस है वही वो प्रूफ हो जाते, और यही चीज योहान चाहता है। अगर डॉक्टर टेनमा किसी भी हालत में उसे गोली मार देता, तो एक डॉक्टर टेनमा खुद ही ये प्रूफ कर देता कि सारे लोगों की जिंदगियां समान नहीं होती, क्योंकि उसने एक जिंदगी ली है। और दूसरी चीज, अगर वो योहान को गोली मारता तो वो खुद मॉन्स्टर बन जाता, क्योंकि उसका पूरा कैरेक्टर लोगों को बचाने के बेसिस पे है, ना कि मारने के। और जब वो किसी को मार देगा तो उसका कैरेक्टर इतनी बुरी तरीके से टूट जाएगा कि वो कभी संभल नहीं पाएगा, और यही चीज योहान लिबर्ट चाहता है। उसकी साइकोलॉजी ना सिर्फ प्रूव हो, बल्कि वो अपनी साइकोलॉजी को पास कर सके। इतना कॉम्प्लिकेटेड है योहान का कैरेक्टर। यकीन मानिए, मैं कई दिनों से इस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा हूँ। जो मैंने ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी थी वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारी गलतियां लग रही हैं। हालांकि गलतियां इसमें भी है, पर ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं कहीं देखकर या फिर कहीं पढ़कर नहीं कर रहा। ये पूरी तरह से मेरे दिल की बातें हैं जो मैं एक्चुअल में फील की है योहान को देखकर। इंसानों को उनके सबसे डरावने इमोशंस के सामने रख देना, दुनिया की तरफ देखने का नजरिया, एक्शंस जस्टिफाइंग इज ओन आइडियोलॉजी। आप किसी इंसान को गलत साबित ही नहीं कर सकते जो अपने आप को सही समझता हो, और योहान के केस में ये एक्सट्रीम लेवल पर है। जिस तरह से योहान को लिखा गया है वो वाकई में लाजवाब है। योहान हर इंसान के दिल में छुपे हुए डेप्थ के जो डार्केस्ट इमोशंस होते हैं उनको दर्शाता है। ये सारी चीजें योहान को एनिमे हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और आइकॉनिक विलन बनाती है। तो योहान को साइड में छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या वाकई में सारे इंसानों की जिंदगियां समान है? लेट द मॉन्स्टर इनसाइड यू आंसर द क्वेश्चन।